क्या आपने कभी सोचा कि अगर कभी भारत का सबसे ऊंचा डैम यानी टिहरी डैम टूटा तो इसका क्या असर पड़ेगा और कौन कौन से शहर इसमें पूरी तरह से डूब जाएंगे। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अगर टिहरी डैम टूटा तो इसमें कितनी तबाही होगी। इस वीडियो में हम आपको जो तथ्य बताएंगे वो इंटरनेट से प्राप्त आंकड़े और विशेषज्ञों के विचारों पर आधारित हैं, मगर मकसद किसी को डराना नहीं, केवल इसकी संभावना पर विचार करना है, क्योंकि बात भी बिल्कुल सच है कि विकास अपने साथ विनाश भी लेकर आता है। टिहरी डैम उत्तराखंड में स्थित भारत का सबसे ऊंचा डैम है। इसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है और इसलिए इसका जलाशय भी बहुत ही ज्यादा बड़ा है। इसका जलाशय 42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसके जलाशय की जल धारण क्षमता 354 करोड़ घन मीटर है, जिसमें से 261 करोड़ घन मीटर जल हमेशा भरा रहता है। और जो ये डैम है ये उत्तराखंड के टिहरी जिले के अंतर्गत आता है, जो कि एक भूकंप जोन वाला क्षेत्र है, जिसके कारण यहाँ पर भूकंप आने का खतरा बना रहता है। यदि रेक्टर स्केल पर कभी बड़ा भूकंप आया तो इस क्षेत्र में डूबने के साथ साथ इसका प्रभाव पूरे उत्तर भारत पर पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि इस बांध का विरोध नहीं हुआ, इस बांध के निर्माण के समय इसका काफी विरोध भी हुआ था। एक प्रसिद्ध अमेरिकी भूकंप वेता प्रोफेसर ब्रेनी ने कहा था, यदि उनके देश में ये बांध बनता है तो इसे कभी अनुमति ही नहीं मिलती, क्योंकि ये डैम उच्च भूकंप वाले क्षेत्र में बना हुआ है। वैसे सुरक्षा की दृष्टि से डैम 9 रेक्टर स्केल के भूकंप को सहन कर सकता है, लेकिन कभी इससे अधिक का भूकंप आया तो इसके परिणाम काफी भयानक होंगे। इस बांध का जो जलाशय है उसमें भागीरथी और भिलांगना नदियों का पानी एकत्रित होता है, और यहाँ पर यह पानी एकत्रित होता है वहां पर कभी पुराना टिहरी शहर हुआ करता था, जो आज इस जलाशय में समा चुका है, जिसमें सैकड़ों गांव हुआ करते थे और यहाँ के लोगों को नई टिहरी और देहरादून के आसपास के इलाकों में बसाया गया है। और अगर कभी किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा के कारण ये डैम टूटा तो इसका असर पश्चिम बंगाल तक देखा जाएगा, और इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा हरिद्वार और ऋषिकेश में। ये शहर पूरी तरह से पानी में डूब जाएंगे। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि डैम में कितना सारा पानी भरा हुआ है। देखिए, इस जल का उपयोग होता है बिजली बनाने के लिए, और जब हाइड्रो पावर प्लांट तैयार किए जाते हैं तो इसमें बहुत बड़े स्तर पर पानी को जमा किया जाता है, और इस पानी को एक निश्चित ऊंचाई से गिराकर टर्बाइंस को चलाया जाता है ताकि उनके चलने से पावर मिल सके, और इसके लिए बहुत ही ज्यादा जल की आवश्यकता होती है, इसलिए यहाँ पर इतना जल एकत्रित किया जाता है। तो ये तो हमने बात की टिहरी डैम के क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे अगर भविष्य में कोई प्राकृतिक आपदा आई, और अब बात करते हैं टिहरी डैम के फायदे के बारे में। जो टिहरी डैम है, जब ये पूर्ण रूप से शुरू हो जाएगा तो इसमें 2400 मेगावाट की बिजली उत्पन्न होगी, जो कि कई शहरों को रोशन करेगी। फिलहाल इसमें 1000 मेगावाट की बिजली उत्पन्न हो रही है और ये पूरी तरह से अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। इसके अलावा वर्तमान में इसके जल का प्रयोग 4 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए किया जा रहा है, और अब तो इसके जल का प्रयोग पर्यटन के लिए भी होने लगा है। इसके अलावा आप यहाँ पर बोटिंग भी कर सकते हैं, और इस डैम का जो जल है इसका प्रयोग दिल्ली और उत्तर प्रदेश के 40 लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध कराकर किया जाता है। इसके अलावा इस डैम के बनाने का एक फायदा ये भी हुआ कि इसके बनाने के कारण उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में आने वाली बाढ़ों में काफ़ी कमी आई है, क्योंकि गंगा के कारण भी इन इलाकों में काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आती है, और अब इस डैम के बनने के कारण इन जगहों पर इस पानी के कारण बाढ़ कम हो गई है। और जो इस डैम को बनाने का सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि इससे देश को हर साल 2000 करोड़ का फायदा बिजली के रूप में होता है। इस डैम के बारे में मेरा तो ये मानना है कि विद्युत उत्पन्न और सिंचाई के लिए और भी कई सारे तरीके हो सकते थे, लेकिन आशा करता हूँ कि भविष्य में कोई भी ऐसी आपदा ना आए जिससे कि तबाही हो। आपका टिहरी डैम के बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि टिहरी डैम हमारे देश के लिए ठीक है या नहीं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।